स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें, और हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के यूजेस। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फर्स्ट यूजेज। और कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फर्स्ट यूजेज है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट में हमारे पास फॉर्मूला है C6H5 thrice फॉस्फरस थ्राइस रोडियम क्लोराइड, जिसको हम विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं। विल्किंसन कैटलिस्ट होमोजीनियस कैटलिस्ट है। होमोजीनियस कैटलिस्ट का मीन्स है जब हम एक एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो एल्कीन गैस होती है और ये कैटलिस्ट भी गैसियस स्टेट में मिलता है। तो क्वेश्चन आता है कि होमोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल बताओ, तो होमोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है विल्किंसन कैटलिस्ट। अब इस विल्किंसन कैटलिस्ट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या यूज है? ये जो विल्किंसन कैटलिस्ट है वो सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को ही रिड्यूस कर सकता है, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन को नहीं करेगा। तो जब हम इस विल्किंसन कैटलिस्ट से इस एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये तो रिड्यूस हो जाएगा और ये रह जाएगा। तो इसका क्वेश्चन आता है कि हम किस रिजेंट से या किस रिजेंट या से सैचुरेटेड अल्कोहल बना सकते हैं, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड से सैचुरेटेड एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो इसने डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर दिया तो ये सैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाए। तो ये था हमारा फर्स्ट यूज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैटलिस्ट में एक दूसरा क्वेश्चन और आता है, और वो ये होता है कि हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट कौन होता है। हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के लिए हम जिगलर नाटा का यूज करते हैं, और जिगलर नाटा एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना, प्लस टाइटेनियम क्लोराइड को मिलाकर बोलते। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा जिगलर नाटा भी हाइड्रोजनेशन के काम आता है, लेकिन वो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। हम देखते हैं सेकेंड यूज में हम फोटोग्राफी में AgBr की फिक्सिंग करने के लिए जब हम फोटो खींच लेते हैं, तो जैसे हमने फोटो खींची तो जहां जहां लाइट गिरेगी वहां वहां AgBr ब्रेक हो जाएगा, पर इस सारे पोर्शन में अभी भी AgBr और जो अनडिकम्पोज्ड है। अगर हम इस फोटो को लाइट में निकाल लेंगे तो पूरी फोटो ही खराब हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव को हाइपो या सोडियम थायोसल्फेट में डिप कर देते हैं। सोडियम थायोसल्फेट AgBr के साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। अब ये लाइट सेंसिटिव नहीं रहा है, तो हाइपो से AgBr की फिक्सिंग करते हैं। जब ये क्वेश्चन आता है तो कभी कभी रिडॉक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ हाइपो रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। तो इसमें हाइपो का कुछ भी नहीं हुआ है, ना ऑक्सीडेशन ना ही रिडक्शन, इसलिए हम इसको कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में आ चुका है और अभी भी आ सकता है। तो ये था फोटोग्राफी में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दूसरा यूज। अब हम देखते हैं थर्ड यूज, और थर्ड यूज है हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की जो हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से होती है। तो जब हम कैल्शियम और मैग्नीशियम की अगर हार्डनेस वाटर में हार्डनेस मेजर करना चाहते हैं तो हम इसको EDTA से रिएक्ट कराते हैं। EDTA की यूनिक एबिलिटी होती है कि ये डाइवेलेंट आयंस को पकड़ लेता है। तो ब्रॉडर कंसेप्ट ये है कि किसी भी डाइवेलेंट एटम को एस्टिमेट करने के लिए EDTA का यूज करते हैं। तो EDTA से हम वाटर में हार्डनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्थ यूज है कि ड्रिंकिंग वाटर में या किसी भी तरह अगर हमारी बॉडी में लेड चला जाए, जिसे हम लेड पॉइजनिंग बोलते हैं, और इस प्रोसेस को जिससे लेड पॉइजनिंग होती है
वो दो तरीके से मेनली होती थी। अपने इंडिया में जो वाटर में पाइप यूज करते हैं वो लेड कोटेड होते हैं, आयरन के पाइप जो घर में लगाते हैं। आजकल तो प्लास्टिक के पाइप्स यूज करने लगे हैं, पर पहले लेड कोटेड पाइप्स यूज करते थे। लेड की वाटर से रिएक्शन नहीं होती, लेकिन अगर एयर आ जाए तो खाली पानी है, आधा पाइप में पानी भरा है तो आधी में एयर, तो एयर की प्रेजेंस में लेड वाटर से रिएक्ट कर जाता है और इस प्रोसेस को हम प्लम्बो सॉल्वेंसी कहते हैं। तो प्लम्बो सॉल्वेंसी के थ्रू लेड ऑक्साइड बनकर पानी में डिजॉल्व हो जाता है और जब ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में जाता है तो मसल्स वीक हो जाती है। अब इसकी लेड पॉइजनिंग को हटाने के लिए हम कैल्शियम ईडीटीए को खिला देते हैं। ईडीटीए की एफिनिटी लेड से ज़्यादा है तो ईडीटीए बॉडी में जाता है और लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर बॉडी में से लेड को हटा देता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लेड की पॉइजनिंग को रिमूव करने के लिए किसका यूज करते हैं? ईडीटीए का यूज करते हैं। हम आगे देखते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका यूज। बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका यूज यह है कि विटामिन B12 में हम कोबाल्ट मेटल का यूज करते हैं और इसमें जो रिंग होती है वो कोरिन रिंग होती है। दूसरा यूज है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन +2 मिलता है और इसमें पोरफायरिन रिंग मिलती है। और तीसरा यूज है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम +2 मिलता है और इसमें भी पोरफायरिन रिंग मिलती है। तो सेकेंड ग्रेड में एक चैप्टर है जिसमें बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस की कुछ दी हुई है, तो वो पूरा प्रोसेस इस पर बेस्ड है और इन तीन क्वेश्चंस में से ही सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आसानी से आ सकता है। नेक्स्ट यूज देखते हैं मेडिसिनल यूज। मेडिसिनल यूज में हम प्लेटिनियम डाई अमाइन डाई क्लोरो क्लोरिडो प्लेटिनेट का यूज कर प्लेटिनियम का यूज करते हैं और इसका जो सिस आइसोमर होता है वो एंटी ट्यूमर ड्रग्स है। अगर किसी को ट्यूमर हो जाए तो हम उसको सिसप्लैटिन की दवाई देते हैं जिससे वो ट्यूमर के गलने के चांस रिमूव होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन विद डायग्राम आ जाता है, तो प्लैटिनियम का केवल सिस आइसोमर ही ऐसा कर सकता है, ट्रांस नहीं करेगा। तो वो हमको साथ में चार डायग्राम बनाकर देगा और फिर कहेगा इनमें से कौन सा डायग्राम या कौन सा कॉम्प्लेक्स एंटी ट्यूमर ड्रग्स की तरह इस्तेमाल होता है, तो उसका आंसर है सिसप्लैटिन। सिसप्लैटिन को हम एंटी ट्यूमर ड्रग्स की तरह यूज कर सकते हैं और ये भारत में या भारत के सारे एग्जामों में सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट यूज है मेटलर्जी में। मेटलर्जी में निकेल का प्योरिफिकेशन करने के लिए हम सीओ से रिएक्ट कराते हैं। सीओ की यूनिक एबिलिटी क्या होती है कि निकेल में जिस भी मेटल की इम्प्यूरिटीज होती है कार्बन मोनोऑक्साइड उससे रिएक्ट नहीं करता, केवल निकेल से ही करता है। तो सिर्फ निकेल से ये रिएक्ट करके ये सॉलिड है और इसको गैस में कन्वर्ट कर देते। तो अगर इस रूम में निकिल इम्प्योर निकिल भरा हुआ है और अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड पास करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड सिर्फ निकिल को गैस बनाकर ले जाएगी और उसको हम दूसरे रूम में एक्यूमुलेट कर लेंगे और बाद में जब हम इसको 200 डिग्री पर हीट करेंगे तो वापस से निकिल कार्बोनिल ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होकर निकिल प्योर निकिल देगा। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में क्वेश्चन ये आ सकता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और रिडॉक्स रिएक्शन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और कॉम्प्लेक्स में क्वेश्चन ये आ सकता है सीओ सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों है? क्योंकि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन लेता है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वो नहीं होता है जो इलेक्ट्रॉन दे। सारे ही लिगेंड इलेक्ट्रॉन देते हैं लेकिन जो मेटल से पाई बॉन्ड से अपनी बैकेंड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ले ले उसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर बैकेंड ऑर्बिटल होती। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब जिरकोनियम और टाइटेनियम को प्योरीफाई करना होता है तो हम इसकी आयोडीन से रिएक्शन करा देते हैं। आयोडीन से रिएक्शन करा देते हैं तो निकिल
कार्बोनिल की तरह ये भी गैस में कन्वर्ट हो जाता है, सिर्फ जिरकोनियम और टाइटेनियम। और बाद में हीट करने पर आयोडीन अलग हो जाती है और जिरकोनियम और टाइटेनियम हमको प्योर फॉर्म्स में मिल जाते हैं। तो मेटलर्जी में हम इन दोनों का यूज करते हैं। बोन ऑर्गल से हम टाइटेनियम और जिरकोनियम को प्योरीफाई करते हैं और मोंड प्रोसेस से निकिल को प्योरीफाई। अगला यूज हमारा एनालिटिक केमिस्ट्री से। एनालिटिक केमिस्ट्री में जब हम निकिल प्लस टू की रिएक्शन डीएमजी से कराते हैं, डीएमजी का मतलब है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिन, तो निकिल बिल्कुल इस कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो क्वेश्चन आता है कौन सा मेटल डीएमजी के साथ में रेड रेड कलर देगा। तो निकिल प्लस टू डीएमजी के साथ में रिएक्ट करके रेड कलर का कंपाउंड बनाता है, जिसकी हेल्प से हम निकिल को एस्टिमेट करते हैं कि कितना निकिल है। डिटेक्ट नहीं करते, एस्टिमेट करते हैं और डिटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर जो डीएमजी है वो हेट्रोजेनियस लिगेंड है, और ये मैंने बिल्कुल शुरुआत की वीडियो में बताया था, जिस लिगेंड में डोनर एटम अलग अलग होते हैं वो हेट्रोजेनियस लिगेंड होता है, और जिसमें दोनों डोनर एटम सेम हो वो होमोजेनियस लिगेंड होता है। एनालिटिक केमिस्ट्री में ही दूसरा क्वेश्चन है कि कॉपर का डिटेक्शन किसकी हेल्प से करते हैं। जब हम कॉपर की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो होता है टेट्रा अमोनियम कॉपर सल्फेट, जिसका कलर ब्लू होता है और कॉपर सेकेंड ग्रुप की एनालिसिस का सेकेंड ग्रुप का रिएक्ट हुआ है रेडिकल। बेसिक कैटाइन्स में सेकेंड ग्रुप में आता है। तो सेकेंड ग्रुप में जब हम अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करते हैं तो ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, जो ये है। इसके क्वेश्चन आजकल बहुत लेटेस्ट आ रहे हैं, इसका ब्लू कलर होता है और ब्लू कलर कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो फिजिक्स में तो क्या बताते हैं कि जैसे मेरी टी शर्ट रेड दिख रही है या ऑरेंज दिख रही है, तो ये ऑरेंज कलर रिफ्लेक्ट कर रही है और बाकी सिक्स कलर को एब्जॉर्ब कर रही है। पर केमिस्ट्री में ये थ्योरी नहीं चलती, केमिस्ट्री में कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी चलती है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी क्या है? बिब ग्योर, इंडिगो गायब है या इन दोनों के बीच में बिब ग्योर। अगर कोई ब्लू दिख रहा है तो ऑरेंज कलर एब्जॉर्ब करेगा, और अगर ऑरेंज दिख रहा है तो ब्लू कलर एब्जॉर्ब करेगा, रिमिट करेगा। तो जैसे मेरी टी शर्ट ऑरेंज दिख रही है तो इस समय ये व्हाइट लाइट में से ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर रही है। अगर मैं इस रूम में ब्लू कलर की लाइट लगा दूं तो मेरी ये टी शर्ट का कलर और डार्क हो जाएगा, और अगर मैं इसी कलर की लाइट डालूं ऑरेंज की तो इसका कलर या तो गायब हो जाएगा या बहुत ही लाइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन DSP2 होती है, जो मैंने इससे लास्ट थर्ड वीडियो में बॉन्डिंग पोर्शन में बताया था। और जब कॉपर अमोनियम सल्फेट में हम बॉन्डिंग देखते हैं तो इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 होता है, जो JEE 2021 या 20 के एग्जाम में आया था। दूसरा क्वेश्चन आखिरी, कि इस कॉम्प्लेक्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो डी में नहीं होता है, डी से जंप करके पी में चला जाता है। तो अगर उसने पूछा कि कॉपर टेट्रा अमोनियम कॉपर सल्फेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी में होगा। एनालिटिक केमिस्ट्री में ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर को डिटेक्ट करने के लिए, अगर हमें किसी कंपाउंड में सल्फर डिटेक्ट करना है तो पहले हम उसका लेसांजे एक्सट्रैक्ट बनाएंगे। लेसांजे एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सोडियम के साथ में रेड हॉट की हीट करेंगे, और अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर हुआ तो Na2S बन जाएगा, और अगर उसमें नाइट्रोजन हुई तो CN बन जाएगा, और अगर उसमें हेलोजन हुई तो NaX बन जाएगा, और अगर उसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों हुई तो
NaCN बन जाए। अब हमें डिटेक्ट करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में आखिर है क्या। तो जब हम इस NaCN में Fe SO4 डालेंगे तो हमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा जिसका कलर गदला, ठीक है ना, ग्रीन का टाइप का होगा। और जैसे ही हम इसमें FeCl3 न्यूट्रल FeCl3 मिलाएंगे तो ये ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेगा जिसको हम पर्शियन ब्लू बोलते हैं, जिसको हम प्रूशियन या पर्शियन ब्लू जान के नाम से जानते हैं। और ये आयरन का कन्फर्मेटरी टेस्ट है। तो ये थर्ड ग्रुप की एनालिसिस में काम आएगा कि थर्ड ग्रुप में आयरन ब्लू कलर किसका देता है, प्रूशियन ब्लू का। लेकिन अगर उसके अंदर सल्फर हुई तो हम इसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड के साथ में करा लेंगे। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड से बच्चे को लगता है कि सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड में NO2 ग्रुप होगा, पर भैया इसमें नाइट्रो ग्रुप नहीं होता और नाइट्रो की जगह NO होता है। यहां आप डूब जाओगे अगर आपको NO2 के हिसाब से देखोगे। ये सल्फर जाती है और इस NOS से रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बना FeCN5 NOS। तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हमारा होगा Na4Fe CN एज इट इज रहेगा, लेकिन ये NOS में बदल जाएगा और इसका वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। कैसा कॉम्प्लेक्स? वॉयलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। मैं इसको दोबारा से आपके सामने लिखता हूं। तो हमारे दो फॉर्मूले गायब है, हम दोनों ही दोबारा देख लेते हैं। तो यहां पे जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा Fe4Fe CN6 thrice प्रूशियन ब्लू, और इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा Na4 Fe CN5 NOS जिसका कलर वॉयलेट होता है। तो अगर वॉयलेट कलर आ गया तो इसका मींस है, वॉयलेट कलर का मींस है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट। अब करते हैं हैलोजन का टेस्ट। अगर हम इसमें AgNO3 मिलाएंगे और AgNO3 मिलाने से वाइट प्रेसिपिटेट आया तो Cl प्रेजेंट है, जो AgCl का प्रेसिपिटेट देगा। अगर लाइट येलो आया तो ब्रोमीन प्रेजेंट है क्योंकि AgBr बन जाएगा, और डार्क येलो आया तो AgI का बनेगा क्योंकि AgI डार्क येलो देती। अब बचा लास्ट वाला। आजकल ये वाला सबसे हॉट चल रहा है, जब हम इसकी रिएक्शन FeCl3 के साथ में कराते तो FeCl3 के साथ में ये हमको आयोसाइनेट का CN थायोसाइनेट का ब्लड रेड कलर देता है, जो कंफर्म करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों पर जाए। यहाँ यूजेज में हम एक यूजेज और देखेंगे, और वो यूजेज है सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का यूज हम सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी में भी कर सकते हैं। जब हम Ag2S की रिएक्शन NaCN की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स मिल जाता है, और उस कॉम्प्लेक्स की फॉर्मूला ये होता है। और जब हम इसकी रिएक्शन जिंक के साथ कराते हैं, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है प्लस वॉलाटाइल, तो वो यहाँ क्वेश्चन हमसे करेगा कि हमने यहाँ जिंक ही क्यों यूज किया है। जिंक से ज्यादा रिएक्टिव भी है, पर जिंक रिएक्टिव के साथ साथ वॉलाटाइल है, तो बाद में जिंक बचता है उसको गर्म करके बाहर उड़ा सकते। जिंक ने Ag को रिप्लेस कर दिया और Ag फ्री हो गई और कॉम्प्लेक्स बन गया Na2ZnCN4। जब हम इसकी रिएक्शन, यहाँ पर एयर का होना जरूरी है, ये JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि ये एयर क्या करती है कि जो Na2S बनती है उसको Na2SO4 बनाकर सॉल्युबल फॉर्म में कर दे। सेम यूज AU की मेटलर्जी में है। मेटलर्जी में हम H2O और एयर की रिएक्शन जब कराते हैं तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो बिल्कुल उसके जैसा होता है,
कुछ बच्चे यहाँ इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि गोल्ड की स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर +3 होती है, तो उनको लगता है कि ये CN4 होगा और ये +3 हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ पर भी गोल्ड से दो ही CN अटैच होते हैं और जब इसकी रिएक्शन जिंक से कराते हैं तो यहाँ ये क्वेश्चन JEE में आ चुका है और भी नीट में भी आ चुका है कि जिंक ही क्यों यूज करेंगे, क्योंकि जिंक रिएक्टिव के साथ साथ वोलेटाइल मेटल भी है और जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा K2ZnCN4 और प्लस गोल्ड फ्री हो जाएगी। तो ये थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के यूजेस जिनके बेसिस पर एक क्वेश्चन बनता है, नॉर्मली हर ईयर में आ जाता है। तो आप मेरे वीडियो को देखते रहें और ये सारे ही चीज़ें सिस्टमेटिक ऑर्डर में आपको गूगल प्ले स्टोर पर किंग केमिस्ट्री के ऐप पर उपलब्ध है। धन्यवाद।